Hello guys, how are you all? I am Ashutosh and welcome in your channel Lecture of Engineering. So dear friends, in this session we are going to study about many one function. Already I am discussed what is function, what is types of function, what is one to one function, and in this session we are going to detail discuss that is many one function. अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए. जो आपको नोट्स चाहिए वहाँ पे एक मैसेज करिए, मिल जाएगा. तो देखिए वन टू वन फंक्शन का यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा जा रहा है. आप लोग देखिए मेनी वन फंक्शन होता क्या है, जिसका इमेज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा. जिसका इमेज दो हो, क्या हो, दो इमेज हो या फिर उससे ज्यादा हो. जिसका इमेज जो है दो हो या फिर उससे ज्यादा हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. अब यहाँ पे डिफिनेशन दिया क्या है, एज टू बी फंक्शन. ए फंक्शन एफ एज टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ टू आर मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इन बी. इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, देख लीजिए मेनी वन फंक्शन का. यहाँ देखिए दिया गया, बताइए ये हमारा मेनी वन फंक्शन है कि नहीं. सेट टू, सेट भी हमारा हो गया. ए बी सी डी, वन टू थ्री फोर. एक ए का ए से हो गया, एक से हो गया, बी का दो से, सी का भी टू से, ठीक, एंड डी का भी फोर से हो गया. अब बताइए मेनी वन फंक्शन है कि नहीं है. तो जिसका इमेज दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, दैट इज फंक्शन मेनी वन फंक्शन. अब देख रहे हैं कि जो हमारा बी है, बी का इमेज क्या है, दो है, और सी का भी इमेज क्या है, दो है. तो मैंने क्या बताया, या फिर उसका इमेज जो है दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया. अच्छा अगर आप लोग वन टू वन फंक्शन पढ़ लिया तो ये बताइए मुझे, ये हमारा वन टू वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है. मेनी वन आपके सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है, बताइए. ये मान लीजिए सेट हमारा ए है, ये हमारा सेट बी है, एक दो तीन चार, एक्स वाई जेड ओमेगा, वन का एक्स, टू का वाई, थ्री का भी वाई, फोर का जेड. ये बताइए मेनी वन फंक्शन है कि वन टू वन फंक्शन है. आप देखोगे यहाँ पे कि वन का इमेज एक्स और फोर का इमेज जेड, लेकिन जब मैं बात करता हूँ टू एंड थ्री का, इन दोनों का सेम इमेज आ गया. देखो वाई आ गया और थ्री का भी वाई आ गया. तो मैंने क्या बोला कि इमेज अगर दो से ज़्यादा हो, दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, तो हमारा क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा. तो इसका आंसर क्या होगा, मेनी वन फंक्शन. ठीक. अब बताइए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर दिया गया आपके सामने लेट ए इक्वल टू एक दो तीन चार, और बी दिया गया आपके सामने एक्स वाई जेड ओमेगा. आपको बताना कि वन टू वन फंक्शन या फिर मेनी वन फंक्शन है. अब मैं यहाँ पे आपको फंक्शन दे रहा हूँ वाई इक्वल टू वन कामा एक्स, टू कामा वाई, थ्री कामा ओमेगा और फोर कामा जेड. ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या होगा. ये हमारा वन टू वन फंक्शन है, क्वेश्चन आपका ही है, ये हमारा वन टू वन फंक्शन है कि हमारा मेनी वन फंक्शन है. मेनी वन फंक्शन. अब देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, इमेज एक ही होता है, इसका इमेज एक ही होता है. और इसका इमेज दो हो या फिर दो से ज्यादा हो,
हमारा क्या होगा, मिनिमम फंक्शन। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल मैं बताऊंगा आपको इनटू फंक्शन। ठीक, थैंक यू।